हेलो गाइस सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्सीबिसिन इंजेक्शन के बारे में सो गाइस डॉक्सीबिसिन एक एंटी कैंसर मेडिकेशन है जो बहुत से टाइप्स के कैंसर ट्रीटमेंट में इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं इस इंजेक्शन को जनरली ब्लेडर कैंसर ब्रेस्ट कैंसर लंग्स कैंसर एंड एनोवरियन कैंसर हॉटस्किनस लिफोमा नॉन हॉटस्किनस लिम्फोमा और टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है ल्यूकेमिया का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल कैंसर सो गाइस डॉक्सोरूबिसिन एक साइटोटॉक्सिक एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो कैंसर की ग्रोथ को स्टॉप और स्लो कर देती है कर देती है कैंसर सेल को डैमेज कर देती है डॉक्सोरूबिसिन इंजेक्शन को इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करना है थ्रो अ सेंट्रल लाइन और अ पेरीफेरल वेनस लाइन सो गाइस डॉक्सोरूबिसिन इंजेक्शन का डोसेज की बात करते हैं इसको सिक्सटी टू सेवेंटी एम जी पर मीटर स्क्वेयर इंट्रावेनसली एवरी ट्वेंटी वन डेज़ में यूज़ करते हैं ये एडल्ट डोज़ है और इसको ट्वेंटी एम पर मीटर स्क्वेयर वंस वीक भी यूज़ कर सकते हैं पीडिट्रिक्स में थर्टी फाइव टू सेवेंटी फाइव एम पर मीटर स्क्वायर इंट्रावेनसली एवरी ट्वेंटी वन डेज में यूज़ करते हैं और ट्वेंटी टू थर्टी एम पर मीटर स्क्वेयर वंस वीक भी यूज़ कर सकते हैं ये एडल्ट एंड पीडिट्रिक में रिकमेंडेड डोज़ है लेकिन ये सब डोज पेशेंट की मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करता है जनरली डॉक्सरूबिसन इंजेक्शन का ट्रीटमेंट लेने के बाद ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे नोज़िया एंड वॉमिटिंग डायरिया लॉस ऑफ़ एपिटाइट, मिस्ट मेस्ट्रुअल पीरियड डार्किनिंग ऑफ योर स्किन और नेल्स, वीकनेस टाइर्डनेस और आई रेडनेस इन टाइप्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं सो so गाइस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो